चौहान की एक कालजयी कविता। जब तक कलम के जरिए कागज नहीं उतरी थी, तब भी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी झांसी की मिट्टी के एक एक कण में बसी थी। आखिर ये वीरांगना थी ही कुछ ऐसी। समाज के बंधनों में बंधी, फिर भी विचारों से आजाद, कभी कोमल मनु तो कभी तलवार भांजती वीरांगना, कभी राजा गंगाधर राव निवाकर की पत्नी तो कभी झांसी के आगे दीवार बनकर खड़ी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बलिदानों की धरती भारत में ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने रक्त से देश प्रेम की अमिट गाथाएं लिखी। माँ भारती को गौरवान्वित करने वाली वीरांगना लक्ष्मीबाई सच्चे अर्थों में ऐसी ही एक आदर्श वीरांगना थी। भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराने के लिए 1857 में बड़ा प्रयास हुआ। जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसमें प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। अंग्रेजों की शक्ति का सामना करने के लिए उन्होंने नए सिरे से सेना का संगठन किया और सुदृढ़ मोर्चाबंदी कर अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। उनका जीवन अपने आप में वीरता, अमर देशभक्ति और बलिदान की मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के 80 घाट में हुआ था। पिता मरुपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने नाम रखा मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाने लगा। मनु अभी 4-5 साल की ही थी कि माँ का साया उनके सर से उठ गया। पिता मोरोपंत तांबे साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माँ की मृत्यु के बाद मनु पिता के साथ बिठुर आ गई। यहीं पर उन्होंने मलविद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विधा सीखी। चूंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहां चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी।
सात साल की उम्र में ही उन्होंने घुड़सवारी सीखी। अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। साथ ही तलवार चलाने और धनुर्विधा में भी निपुणता हासिल की और पालकों से भी अधिक सामर्थ्य दिखाया। इस तरह कम उम्र में ही मनु अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई। समय बीता और इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ। शादी के बाद मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को ये रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने और घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना भी तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो उठा और उत्सव मनाया गया, लेकिन ये खुशी अल्पकालिक ही थी। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और करीब 4 महीने की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। फिर 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 साल के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद दूसरे ही दिन राजा गंगाधर राव की 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अब दत्तक पुत्र के साथ राजकाज देखने का फैसला किया, लेकिन अंग्रेज शासन उनका राज्य छीन लेना चाहता था। हालांकि रानी ने जितने दिन शासन किया बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रजा के कल्याण के काम करती रही और लोगों में खासी लोकप्रिय हो गईं। इस बीच अंग्रेजों ने नागपुर, तंजावर, सतारा जैसे मराठों के प्रिंसली स्टेट को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बना लिया। अब उनकी नजर झांसी पर थी। गंगाधर राव की मौत के बाद झांसी को भी खत्म करने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने साजिश रची। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन भौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस समय अंग्रेजों की ये नीति थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होगा उसके राज्य को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाएगा। अंग्रेजों ने हड़प की नीति के तहत दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को विलय करने का आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक झांसी का शासन मेजर एलिस के अधीन कर दिया गया। 13 मार्च 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को यह आदेश मिला, जिस पर लक्ष्मीबाई का जवाब था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस हालात में क्या किया जाए ये जानने के लिए लक्ष्मीबाई ने ऑस्ट्रेलियाई बैरिस्टर जॉन लैंग से सलाह मांगी। शुरुआती दौर में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ बातचीत से मसला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया कि बातचीत से मसले का हल नहीं होगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने बाड़पुर के राजा मर्दान सिंह को खत लिखकर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने लिखा कि विदेशियों की गुलामी में रहना अच्छा नहीं है, उनसे लड़ना बेहतर है। हम फौज की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना बहुत जरूरी है। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई का मानना था कि झांसी रियासत पर उनका हक है और अपने हक के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। उस समय भारत के बड़े भूभाग पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो चुका था
और वो झांसी को भी अपने अधीन करना चाहते थे। अंग्रेजों को लगा कि रानी लक्ष्मीबाई स्त्री है और वो प्रतिरोध नहीं करेंगी, लेकिन रानी के कदम से अंग्रेज तिलमिला उठे। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की, किले की प्राचीर पर तोपें रखवाई। रानी ने अपने महल के सोने और चांदी के सामान तोप के गोले बनाने के लिए दिए। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थीं, उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, धन गर्जन और नालदार प्रमुख थीं। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति ह्यूरोस भी चकित रह गया। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, लेकिन किला जीत ना सके। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोस को लगा कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, इसलिए उसने कूटनीति का इस्तेमाल किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार को मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। फिरंगी सेना किले में घुस गई और लूटपाट हिंसा करने लगी। घोड़े पर सवार दाहिने हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी और हर हर महादेव के उद्घोष से रणभूमि गूंज उठी। लेकिन झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई और कुछ विश्वास पात्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़ चली। लगातार 24 घंटे और 102 किलोमीटर तक सफर तय करने के बाद लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची। कालपी के पेशवा ने स्थिति का आकलन कर लक्ष्मीबाई की सहायता करने का निर्णय लिया। पेशवा ने रानी को जरूरत के मुताबिक अपनी सेना और हथियार देने का फैसला किया। ह्यूरोस ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना झांसी की रानी ने पूरी दृढ़ता से किया। यहां तक कि ब्रिटिश सेना भी उनके इस आक्रमण से घबरा गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ह्यूरोस ने कालपी पर अधिकार कर लिया। जब कालपी छिन गई तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के सहयोग से सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर हमला बोला, जो अपनी फौज के साथ कंपनी का वफादार बना हुआ था। लक्ष्मीबाई ने युद्ध कर सिंधिया की सेना को हरा दिया। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने नाना साहब को पेशवा घोषित कर दिया और महाराष्ट्र की तरफ से धावा बोलने का मंसूबा बांधा, ताकि मराठों में भी विद्रोह की ज्वाला फैल सके। ह्यूरोस और उसकी फौज ने रानी लक्ष्मीबाई के विजय रथ को रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश की और ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेज सेना ने मुरार कोटा की दो लड़ाइयों में भी रानी की सेना को पराजित किया। अंग्रेज सेना संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करती रही और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब ग्वालियर में 18 जून 1858 को आखिरी बार अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई का सामना हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने इस युद्ध में वीरता का परिचय दिया। रानी और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे। रानी अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो गईं। रानी के रण कौशल से अंग्रेज थर्रा गए। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से मार्ग में एक नाला आ गया।
घोड़ा नाला पार न कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार वहां आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे उनके सिर का दाहिना भाग कट गया। उसी समय दूसरे गोरे सैनिक ने संगीन से उनके हृदय पर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ी। रानी के वफादार गुल मोहम्मद और राम राव देशमुख आखिरी वक्त तक रानी के साथ रहे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को नजदीक ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया, जहां इस वीरांगना ने मां भारती के चरणों में अपने प्राणों को अर्पण कर दिया। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद खड़ी कर गई, निडरता का पाठ पढ़ा गई। उनके साहस और पराक्रम का अंदाजा जनरल ह्यूरोस के इस कथन से लगाया जा सकता है कि अगर भारत की 1% महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई की तरह आजादी की दीवानी हो गईं, तो हम सबको ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कल्पना कीजिए, एक महिला जिसकी पीठ पर नन्हा बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके दोनों हाथों में तलवार। शायद हाँ, हमारे लिए ये कल्पना करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियां देखी हैं, उनकी ऐसी तस्वीरें देखी हैं। लेकिन ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, किसी वीर रस के कवि की कल्पना भी नहीं है, ये हकीकत है। शायद इसीलिए वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगी। वो केवल इस देश के लोगों के दिलों में नहीं, बल्कि वो जिंदा है अपने विरोधियों के दिलों में, उन अंग्रेजों के दिलो दिमाग में जिनसे उन्होंने लोहा लिया था। ये सच है कि अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई से जीत गए थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस लड़ाई को जीत कर भी हार गए थे। गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई वो हमको जो सीख सिखानी थी। हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की उनके जीवन पर लिखी कविता से अच्छी शौर्य गाथा इस वीरांगना की हो ही नहीं सकती। उनकी कविता की ये अंतिम पंक्तियाँ रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो
रानी ने।